गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज सैटरडे है और सुबह के 9 बज रहे हैं और हस्बैंड कल रात को आ गए थे, 9:30 बजे पहुँचे वो पिथौरागढ़ से। और क्योंकि वैसे वो जल्दी पहुँच जाते लेकिन ऐसा हुआ रास्ते में अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा पड़ता है बीच में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ओले भी गिरने लगे, तो 1 घंटा उनको वहाँ रुकना पड़ा, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गए। और मैं लाइट का वेट कर रही थी, लाइट आए तो मैं बनाऊँ चीला। आज मैंने मूंग की दाल भिगो रखी है तो उसका चीला बनाऊंगी। और 10 बजे इनको ऑफिस के लिए निकलना है तो मुझे लेट हो रहा है, फटाफट से मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंग की दाल भिगो के रख ली थी 4-5 घंटे पहले, और इसमें मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी हैं छोटी छोटी सी। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाए, और इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं। वैसे मैंने उड़द दाल के चीले की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें बेसन ऐड किए हैं 3 चम्मच, और बाउल में जो एक्स्ट्रा मूंग की दाल बची हुई है वो मैं बाद में बना लूँगी उसका चीला। और मसालों में मैं यहाँ पर अजवाइन डाल रही हूँ और 1 चुटकी हींग, और इसके साथ ही रेगुलर मसाले भी ऐड कर दूंगी, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है क्योंकि बेसन के टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं तो उससे चीला अच्छा नहीं बनता, तो अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, तब जाके अच्छा पेस्ट बनता है। और पेस्ट अब रेडी हो गया है तो अब मैं तवे को गरम कर लूँगी और इसके ऊपर मैं ऑयल अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। इससे ये होता है कि ज़्यादा तेल नहीं लगता इसमें, और इसको बहुत ही हल्के हाथों से स्प्रेड करना है तवे पर जिससे कि ये बिल्कुल भी टूटे ना। और 1 या 2 स्पून के करीब मैं यहाँ पर स्प्रेड करूँगी, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिन ही रखना है क्योंकि जितना थीन रहेगा उतना अच्छा लगता है खाने में, और क्रंची सा टेस्ट जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ढक के पका से कि एक तरह से अच्छी तरीके से सिक जाता है। तो इसके बाद इसके चारों तरफ ऑयल लगा के फिर इसको पलटना है। इससे ये होता है कि चीला बिल्कुल भी नहीं टूटता और बहुत अच्छा शेप आता है इसका। आप देख रहे हैं पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और अब चीला एक तरफ से सिक गया है तो इसको पलट देंगे और इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर लेंगे, और बहुत ही अच्छा शेप आया है इसका और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑयल अप्लाई कर लिया है, इसको भी मैं ढक लूँगी 2 मिनट के लिए। तो दोनों तरफ से इसको अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेना है और अच्छे से सेक लेना है। बस चीले हमारे रेडी हैं खाने के लिए। का फल जो कि पहाड़ का और बहुत फेमस फ्रूट है और सबका फेवरेट फ्रूट है और मुझे बहुत पसंद है खासकर, और ये बहुत अच्छा होता है, ये गर्मी के सीज़न में ही होता है। तो ये हस्बैंड लेके आए थे घर से तो नहीं, लेकिन ये रास्ते पे ना अल्मोड़ा वगैरह से जंगलों से तोड़ के लाते हैं लोग और वहाँ पे बेचते हैं दुकान लगा के, तो वहाँ से ख़रीद के लाया मैंने, उनसे मंगवा लिए खूब सारे। और इसमें नमक वगैरह लगा के, काला नमक या चाट मसाला मिला के खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत चटपटा लगता है। यहाँ पे मैं कुछ सामान खाली कर रही हूँ जो मम्मी ने घर से भेजा हुआ था। घर पे ना मम्मी लोगों ने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, किचन गार्डन टाइप का, तो वहाँ पे वो लोग सब्जियाँ लगा लेते हैं और मतलब अपने खाने के लिए तो हो जाती हैं, जैसे प्याज, लहसुन और धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें घर पे लगाते हैं वो लोग। बहुत मैक्सिमम सब्जियाँ मम्मी लोग लेते नहीं हैं बाजार से, और सीजनल सब्जियाँ जो होती हैं वो सब घर पे लगती हैं उनके। तो मेथी लगाई थी सर्दियों में तो वो हो गई थी, तो सुखा के मेथी दाना मेरे लिए भी भेजा है मम्मी ने। इसके अलावा मम्मी ने भेजा है घर का मट्ठा,
मट्ठा भी बहुत अच्छा है ये। और अब मैं शुरू कर दूंगी लंच बनाना। लंच में आज मैं बना रही हूँ झोली, जो कि उत्तराखंड में बनता है दही से। और उधर हॉल में टीवी चल रहा है, मैं टीवी देखते देखते काम कर रही हूँ अपना, क्योंकि इंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए ना, जिससे टाइम पास हो जाता है। तो मेथी डाल दिया है, अब मैं जीरा डाल रही हूँ। घर के बाहर ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो वॉइस डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे झोली बनाने के लिए मैंने तड़का वगैरह लगा दिया, बस मेथी का और यहाँ पे जीरे का तड़का लगाया है। इसी से सिंपल सी झोली बन जाती है। और इसमें प्याज डाला है मैंने, इसको फ्राई करने के लिए रखा है। तो दूसरी साइड मैंने चावल भिगो दिए हैं, और इसको गाढ़ा बनाने के लिए इसमें मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड किया है 2 चम्मच, और बहुत टेस्टी बनता है ये। और मैंने इसमें मम्मी का भेजा हुआ मट्ठा डाला है घर से, जो भेजा हुआ था, और बाकी नॉर्मल मसाले डाल दूँगी। नमक लास्ट में डालना है, क्योंकि मट्ठा जो है फट सकता है, कढ़ी की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये बेसन से नहीं बनता है, इसे चावल के आटे से या गेहूँ के आटे से बना। और इसके बाद मैं बर्तन का अरेंज करके रख लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बर्तन थे खूब सारे, तो वो भी रखने ज़रूरी हैं। और इसके बाद मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये तोतापुरी मैंगो है, 4-5 दिन पहले ला के रखा हुआ था, और ज़्यादा मीठा नहीं है तो इसलिए खाया नहीं गया। एक तो खा लिया था, एक बच गया था, तो मैंने सोचा मैंगो शेक बना लेती हूँ। और पल्प काफ़ी सारा था इसका, तो मैंने आधा रख दिया था, और आधे का ही बनाया मैंने मैंगो शेक अपने लिए। तो इसमें मैंने मिलाया है इलायची दाना, और उसके साथ थोड़ा सा रूहअफ़ज़ा 2 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा शुगर। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। एक बज गया है, तो लंच करने में अभी टाइम है, थोड़ी देर में करूँगी, आधे एक घंटे बाद। और खाना भी बन गया है, झोली भी बन गई, चावल भी बन गया, और उसके साथ में सैलेड काट के दे दूँगी। और दूसरे टिफ़िन में मैंने काफल भी पैक करके डाल दिया हस्बैंड के लिए। तो लंच रेडी हो गया है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने, और मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी मैंगो शेक पिया था। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ये ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।